Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये जो दो तरीके कार अपनाए गए हैं, एक शख्स के लिए एक और दूसरे शख्स के लिए दूसरा, या किसी किताब है। और मैं भी आज कहता हूं कि इससे आगे बेहतर ये है कि मैं भी खामोश रहूं। एक शख्स के लिए एक और दूसरे के लिए दूसरा कानून, फिर कहते हैं इदारे मजबूत होना चाहिए। दानियाल अजीज के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों के साथ सियासत की जाएगी तो कौन से मजाक होगा। बलूचिस्तान के शहर गंधावा में मारूफ बुजुर्ग सैयद रखेल शाह के मजार पर खुदकुश धमाके के दूसरे रोज फिजा सोगवार, जहां भाग होने वालों की तदफीन की तैयारियां। इलाके में सोग 20 अफराद शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर हमला करने वाला अब तक आजाद, सिर्फ हुकूमत और पुलिस के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। गुज़श्ता रात एक और खातून चाकू गर्दी का शिकार, मुतासर खवातीन 13 हो गए। नवाब शाह में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलटने से 50,000 लीटर स्पिरिट सड़क पर फैल गया। मोटरवे पुलिस ने सड़क ब्लॉक, नर्सरी स्टॉप पर भी ट्रॉलर ने सड़क किनारे खड़ी खाली ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी, ड्राइवर और क्लरन जख्मी। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन साबिक वजीर आजम की ड्यूटी देने लगा, नवाज शरीफ का सामान एयरपोर्ट से सरकारी गाड़ियों में रिहायशगाह मुंतकिल किया गया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में रुकावट डाली, पाकिस्तान ने अकेले दहशतगर्दों का खात्मा किया, वजीर खारजा। ख्वाजा आसिफ का वाशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब, कहा किसी की वार्निंग काबिल कबूल नहीं।